से जमीन बर्बाद हो गया है, कोई फसल नहीं। अब जैसे जन मजदूरी भी करने का लक नहीं है, कोई खेती खोला का जैसे नष्ट नाबूद हो गया। 17 में जो बनाया था 2017 में सारा जैसे बालू पीट भर दिया है। कितना जमीन बर्बाद हुआ सबको मिला करके? तो यहाँ ये करीब करीब 60-70 एकड़ जमीन बर्बाद हुआ है। हेलो विकास, कहाँ हो? यहाँ की खूबसूरती को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएं, उससे पहले हम चाहेंगे कि यहाँ की खूबसूरती के पीछे छिपी जो क्रूरता है उससे हम पर्दा उठाएं। दरअसल 2017 में आई प्रलयकारी बाढ़ के कारण यहाँ के दर्जनों किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। मामला यह है कि 2017 के बाढ़ की जो पानी थी उस पानी के साथ यहाँ पर बालू बह करके आ गया और कृषि योग्य भूमि को पूरा निस्तनाबूद कर दिया। मतलब कृषि जहाँ पर होती थी, जहाँ पर खेती बाड़ी किसान करते थे, वहाँ पर बालू आ जाने से, बालू की परत जम जाने से पूरा खेती का जमीन बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर किसी तरह की भी आज के डेट में खेती नहीं होती है। गाँव का नाम? अंधवाकोल। अंधवाकोल, ये कौन से पंचायत में पड़ता है? हरामला पंचायत। हरामला, ये बताइए आप लोगों का जमीनों का कोई मामला था यहाँ पर क्या हुआ? वो जैसे जमीन बर्बाद हो गया है, कोई फसल नहीं। अब जैसे जन मजदूरी भी करने का लक नहीं है, कोई खेती खोला का जैसे नष्ट नाबूद हो गया। 17 में जो बनाया था 2017 में सारा जैसे बालू पीट भर दिया है। कितना जमीन बर्बाद हुआ सबको मिला करके? तो यहाँ ये करीब करीब 60-70 एकड़ जमीन बर्बाद हुआ है। मतलब सबका मिला, सबके मिला करके? हमारा जैसे 6-7 एकड़, हमारा भी जैसे 7-8 एकड़, 4 एकड़ जमीन है, 4 एकड़ हमारा भी जमीन बर्बाद हुआ है। तो इससे पहले क्या कैसे वहाँ पर खेती होता था? वहाँ पर खेती होता धान, पटवा, अदरक, खूब बम्पर होता था। अब कुछ नहीं, ऐसे 4 साल से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये नुकसान का भरपाई कैसे हो पा रहा है? अब जैसे मजदूरी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी भी लग नहीं है। तो सरकार की तरफ से कभी कोई व्यवस्था नहीं किया गया बालू हटाने के लिए? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं किया। वही बनाया था तो 6,000 दिया था, और कोई व्यवस्था नहीं। 4 एकड़ जमीन का 6,000? हाँ, कोई जैसे सरकारी लाभ नहीं। तो किसी ने आगे आश्वासन नहीं दिया कि आप लोगों की खेती की जमीन आपको फिर खेती योग्य बनाया? हाँ, जैसे कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, जैसे कोई नहीं आया है, ना कोई जैसे बोला है। तो आप लोग कहीं पर आवेदन नहीं दिए? आवेदन दिए थे तो वही 6,000 मिला, और कोई कुछ नहीं। तो पहले आपकी जमीन से कितना आपको मतलब आमदनी हो जाता था? आमदनी जब खेती होती थी, खेती होता था तो अच्छे से अजमो जैसे साल भर जैसे खाते थे, साल भर के खर्चा जैसे हो जाता था धान। लेकिन अभी 2 सालों से? 2 साल से एकदम कुछ नहीं होता है, देखते हैं। एकदम बालू जैसे बालू पीट पिटा दिया है, महानदा करीब में चला आया है। तो अभी आपका परिवार कैसे चलता है? अब कहते थे जन मजदूरी, जन मजदूरी करके। कहाँ के हैं? अनुहाकोला पंचायत के। पंचायत हलामला। क्या समस्या आप लोगों का? खेती पूरा धान नहीं होता है, बालू गिर गया है पूरा मान का, मजबूरी है, टका पैसा बहुत मजबूरी है, खेती नहीं होता है। तो क्यों बालू कैसे पड़ा? बालू बाढ़ का पानी से। कब का बाढ़? बहुत दिन, वो पहला वाला बांध से। कितना दिन? हाँ, ये देखिए ना, 2017 तक। 2017 में? 17 जी। तो ये खेत, ये पहले यहाँ पर क्या, पहले खेती होती थी? हाँ, धान होता था। हाँ, बढ़िया धान होते थे, इतना धान होता था खेती इसमें पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब में खेती होता था। 2017 में जो बाढ़ आई थी, आया था, उसके बाद बालू चढ़ गया। हाँ, बालू, हार कोई फसल नहीं होता है, बस ऐसे बालू ने कुछ नहीं, बस गुरु का घास ये सब चढ़ता है। तो ये बताइए कि आपका कितना जमीन इसमें? इसमें मेरा 5 बीघा है यहाँ पलट। 5 बीघा आपका सिरे? हाँ, सिरे खत्म हो गया। 2 साल से कोई खेती नहीं? नहीं, कुछ नहीं, आज 5-10 साल से नहीं होता। तो इससे पहले आप कौन सी खेती वहाँ पर? धान का खेती करते थे, अदरक का खेती। हाँ। सालाना कितना हो जाता था कमाई? हो जाता था 10-20 हजार। हाँ हाँ, खाने का दिया हो जाता था। लेकिन अब नुकसान? हाँ, नुकसान है। तो इसके अलावा आपके पास जमीन बचा है? जमीन है 2.5 बीघा।
अच्छा, 5 बीघा खत्म, 2.5 बीघा बचा। हाँ, 2.5 बीघा। ये मुझे कि यहाँ पे काम नहीं है, जो काम मिलता है गृहस्थ लोग का भी जो है ना पूरा एकदम खाद पानी और जो भी जमीन था खत्म हो चुका है उन लोगों का भी जमीन नहीं है उनके पास, जो भी जमीन था बालू घुस गया और जो भी जमीन में फसल लगाता है तो उस जमीन में फसल होता ही नहीं है। तो कोई 1 बीघा 2 बीघा लगाया तो वो लोग जन मजदूरी देगा या फिर अपने वो लोग पूरा साल भर खाएगा। तो मजदूरी में एक दिन दो दिन कटाया फिर हम लोग बैठे हो जाते हैं। और टाउन में हम लोग भी पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख है, अंगूठा निशान है, कोई अच्छा काम मिलता नहीं है और हम लोग का पैसा नहीं है जो हम लोग मतलब कोई दुकान खोल के या कोई चीज बैठ के जन मजदूर मतलब बेच के हम लोग बाल बच्चा का पालन पोषण करें। अभी बाल बच्चे का पालन पोषण कैसे? बस वही सरकार का नमक भात अभी भी देख सकते हैं, खाना रखा हुआ है, जो सब्जी भात है वही खा के पालन पोषण करते हैं। किसी दिन खाते हैं, किसी दिन नहीं खाते हैं, फिर किसी दिन अच्छे से खाते हैं, किसी दिन पूरा 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूँ मिलता है और उसी से कम 21 दिन चलता है। तो मजदूरी नहीं मिलने से आपको बहुत दिक्कत हो? बहुत दिक्कत। तो मजदूरी नहीं मिलने का कारण यही है कि बालू चढ़ गया? बालू चढ़ गया तो पहले था, अभी हम पहले दादाजी के टाइम में होता था खेती तो हम लोग किसी तरह सुखी से रहते थे, कोई भी फसल होता था। और अब जो है इसमें पूंजी भी नहीं है हमारे पास में कि हम 1000 टका या 5000 टका लगा के खेती करें, इसमें वो भी पूंजी नहीं है हमारे पास। तो आपने देखा कि आज से 2 साल पहले आई बाढ़ ने जो जख्म दिया था यहाँ के किसानों को, वो आज तक वे भूल नहीं पाए हैं। वजह उसका यह है कि सरकारी विभागों की उदासीनता। यहाँ के दर्जनों किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना कृषि योग्य भूमि को खो चुका है, लेकिन सरकारी विभागों की उदासीनता के कारण इन लोगों के लिए आज तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया है सिवाय वो 6000 रुपये का। तो आपके क्षेत्र में भी, आपके इलाके में भी, आपके गांव में भी अगर विकास इसी तरीके से सुस्त है, गुमशुदा है, कहीं पर खो गया है, तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम जाएंगे और विकास से पूछेंगे कि भाई विकास तुम कहाँ हो। अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो मैं मीडिया से संपर्क करें।